सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहाड़ी पर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लक्खी मेले का आयोजन हुआ। इस मौके पर आकर्षक झांकी सजाई गई। मंगल आरती के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा मौजूद रहा। विश्व भर में सिर्फ यहां ही गणेश जी अपने परिवार के साथ विराजमान है। मेले में व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने विभिन्न व्यवस्थाएं की। त्रिनेत्र गणेश जी की पूरे विश्व में ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित रणथंभौर में ये मंदिर विश्व विख्यात है और लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्तर पर बड़े स्तर पर लोगों की मान्यता है। यहाँ प्रतिवर्ष मेले में लाखों यात्री आते हैं और दर्शन लाभ करते हैं। विशाल भंडारों का कई आयोजन होता है जो कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलता, उससे भी अच्छी क्वालिटी का खाना भंडारों में दिया जाता है। यात्रियों की सुगम व्यवस्था की जाती है रहने और नहाने धोने और अच्छी व्यवस्था रखी जाती है। ये बहुत पुराना मंदिर है, हमीर काल से मंदिर यहाँ पर है और ये इस ऊंचाई पे जो है ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जो ऊंचाई के ऊपर यहाँ स्थित है। यहाँ पर गणेश जी महाराज जो है रिद्धि सिद्धि के साथ पुत्र शुभ लाभ के साथ एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पूरा सह परिवार यहाँ पर विराजमान है। बुजुर्गों के हिसाब से हमारे हिसाब सातवीं शताब्दी से मंदिर है ये, यहाँ पर जो कि स्वयंभू प्रकट ये मूर्ति है और तभी से इसकी मान्यता है और मान्यता बढ़ती ही जा रही है और श्रद्धालुओं का यहाँ पर पूरा विश्वास है। सवाई माधोपुर जिले का रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेला यहाँ का प्रमुख मेला है और दो दिवसीय चलता है। इसके लिए पूरे हमने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे सवाई माधोपुर के मेले के हिसाब से इसको 10 सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके तहत हमने 3 एडिशनल SP, 10 DYSP और कुल 1500 का पुलिस जाब्ता लगाया है। पुलिस जाब्ते के साथ साथ होम गार्ड है, NCC है, स्काउट्स है। हमने रेंज का जाब्ता लिया है, इसमें पुलिस मुख्यालय का जाब्ता लिया है, सादा वर्दी में पुलिसकर्मी लगाए हैं और साथ ही साथ CCTV कैमराज से भी व्यापक सुरक्षा की निगरानी देखी जाएगी।